ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं उनमें एक सिम्टम आपको देखने मिलेगा जिसको बोलते हैं सेंसरी क्रेविंग। जैसे हमने सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का एक वीडियो बनाया था, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी कि कैसे सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिविटी होती है, अंडर रिस्पॉन्सिविटी होती है, सेंसरी क्रेविंग होती है। तो सेंसरी क्रेविंग के बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और वो इस चीज़ से परेशान रहते हैं, और इसके बारे में ना कोई बताता है ना कहीं से सुना जाता है, बहुत कम सुनने मिलता है, इसलिए समझ में नहीं आता कि इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे इन चीज़ों को घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। सेंसरी क्रेविंग एक लाइन में समझा देते हैं कि ये एक तरह का क्या है ना, कि क्रेविंग तो आप समझ ही रहे हैं कि क्रेविंग का मतलब क्या होता है, कि जैसे हम कहे कि इमली अचार कुछ खट्टे चीज़ की बात करें, गोलगप्पा, तो हमारे मुंह में पानी आना एक तरह का ये भी क्रेविंग है, कि मतलब उस चीज़ के लिए लालच आना, उस चीज़ के लिए ज़्यादा ये होना उस चीज़ के बारे में सोच के। और जैसे कि कुछ डिलीशियस फूड की बात हम करें तो उसके लिए एक अलग सी क्रेविंग होती है। रोज़ जो खाने में खा रहे हैं वो तो खाते ही रहते हैं, उसके लिए क्रेविंग नहीं होते, वो तो बस खाना है, जीने के लिए खाना है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका नाम लेते ही मुंह में पानी आना, क्रेविंग, इसको समझ सकते हैं आप। अब क्रेविंग उस चीज़ के लिए होता है कि जिसको कितना भी खा लें हमारा मन नहीं भरे, इस तरह से आप समझ लें। सेंसरी क्रेविंग भी कुछ ऐसा ही है। सेंसरी क्रेविंग में क्या होता है कि ये अनकोऑर्डिनेटेड स्टिमुलेशन हो रहा है। कुछ बच्चों को आप देखेंगे ऐसे आँख तिरछा करके देख रहा है, वो लगातार देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, वो घंटों घंटों देख रहा है, लेकिन उस चीज़ से बोर नहीं हो रहा, बार बार वही देख रहा है। तो ये विजुअल क्रेविंग हो गया, ये भी सेंसरी क्रेविंग है। कुछ बच्चों को आप देखेंगे कि वो दीवार से कान सटा के और सुने जा रहा, सुने जा रहा, सुने जा रहा, मतलब दीवार कान दोनों के बीच से जो हवा पास होती है तो बच्चे को वो सुनाई देगा। सीकिंग नेचर एक अलग ये होता है। क्रेविंग में क्या होता है, कंटिन्यूअसली वो चीज़ें वो करेंगे, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, तो इसको बोलते हैं सेंसरी क्रेविंग। कुछ बच्चों में गस्टेटरी क्रेविंग मिलेगा। गस्टेटरी क्रेविंग आप लोग सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि बच्चा दिन भर कुछ ना कुछ खाने की चीज़ मांगता रहता है। अभी 10-12 लोगों का ऐसा ये आया कि उनके बच्चे में दिन भर उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, खाने को नहीं मिला तो कोई बात नहीं। एक बच्चा गाजियाबाद से था हमारे साथ जुड़ा, अभी तो वो नहीं है जुड़ा हुआ हम लोग, तो उस बच्चे का क्या है कि वो पिज्ज़ा बर्गर मोमो ऐसा करते रहेगा, नहीं दिया जाएगा, मना किया गया है कि नहीं देंगे, पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं देंगे, तो बोलेगा फ़ोटो दिखाओ, बस फ़ोटो भी दिखाओ लेकिन दिखाओ। तो इस तरह की प्रॉब्लम जब हो तो इसको बोलते हैं गस्टेटरी क्रेविंग, उसमें विजुअल क्रेविंग, ये ओवरऑल में सेंसरी क्रेविंग में आता है। ज़्यादातर आप लोग रिलेट कर पाएंगे गस्टेटरी क्रेविंग से, कि उसको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा रहती है, दिन भर कुछ ना कुछ, भले कम खाएगा लेकिन उसको जूठा ज़रूर करेगा, कुछ ना कुछ उठा के खाएगा ज़रूर, दिन रात किचन में ही दौड़ते रहेगा। तो इस सिचुएशन में आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, तो ये चीज़ें भी, अब जैसे कि गस्टेटरी क्रेविंग की बात है तो इसमें आप ओरो मोटर स्टिमुलेशन वगैरह करेंगे। इसके अलावा कुछ होम्योपैथी की दवाएं इस तरह के ऑब्सेशन को ये करने के लिए, इस तरह के क्रेविंग को कम करने के लिए काफ़ी कारगर हैं। बहुत सारे बच्चों में हमारे यहाँ से होम्योपैथिक मेडिसिन चल रही है और बच्चे में वो धीरे 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 वो सिम्टम्स कम हो गए। तो कुछ हद तक जैसे मैंने कहा था ना कि कई सारे वीडियो में ऑटिज्म एंड होम्योपैथी सीरीज में हमने बताया था कि कुछ हद तक दवाओं का रोल होता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ दवाओं पे ही डिपेंडेंट हो जाया जाए कि हम दवाओं से ये कर लेंगे। कल संडे, कल 10-12 लोगों का ये हुआ होगा सेशन, उसमें जो नए लोग जुड़ते हैं तो कंसल्टेशन उनका ये हुआ, तो उसमें जिन लोगों को हमने देखा उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो उनको किसी डॉक्टर ने, कहीं होम्योपैथिक डॉक्टर मिला, वो उसने कहा कि आप 3 साल तक दवाएं चलाइए आपका बच्चा ये ऑटिज्म रिवर्स हो जाएगा, या फिर कोई कहा कि 5 साल तक चलाइए या साल भर तक चलाइए, 2 साल तक चलाइए ये रिवर्स हो जाएगा, 6-6 महीने से दवाएं चल रही हैं कहीं कुछ नहीं हो पा रहा। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, गलत चीज़ों के झांसे में नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, इसके अलावा उसको सोशियो इमोशनल स्किल्स नहीं है, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, और सिर्फ आप चाहते हैं कि दवाओं से ये आ जाएगा, तो ये कभी नहीं आने को। इसलिए हम समझाते हैं कि इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा बच के
और हर कोई अपने आप को ये कहेगा कि दूसरा गलत हम सही, लेकिन ओवरऑल बातें समझनी आपकी है, आपको है, आपका बच्चा है, आप अपने केस को नहीं समझेंगे बच्चे को ठीक नहीं कर पाए। तो इसलिए इस तरह के लोगों के चक्कर में ना पड़ें। और अगर वो कहे कि साल भर में ये ठीक कर देंगे, तो आपको ये कि हम 1.5 साल लिए, कितना पैसा लोगे वो ले लो, गारंटी लो कि ठीक कर दो, तो फिर उसके बाद वो समझ में आ जाएगा कि नहीं हम गलत आदमी के चक्कर में फंस गए, उससे हम झूठ बोल गए और उसने पकड़ लिया। आप इमोशनल हो जाते हैं, आप होपलेस रहते हैं, आपके इमोशन के साथ खेला जाता है और आपको लगता है कि चलो चलो इसी बहाने हो गया, अगर ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर साल 1.5 साल बाद भी वही हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, दुख होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखिए, समझिए और अवॉइड कीजिए कहीं किसी दवा से। ये बीमारी है ही नहीं कि किसी दवा से ठीक हो जाए। दवाओं का कुछ हद तक रोल रहेगा, 15-20% तक, 25-30% तक, केस अलग अलग होगा उसके हिसाब से, लेकिन कोई कहे कि पूरी तरह से रिवर्स उससे हो जाएगा, नहीं होगा। इसको हम लोग इस लायक बनाना चाहते हैं कि ADL इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर ले। आप धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, आप हर जगह उसको सपोर्ट नहीं दे सकते, हर जगह उसको असिस्ट नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनाना होगा। इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा तो बाद में आपकी टेंशन और बढ़ेगी, इसलिए उसको ADL से लेकर, उसके सेंसरी प्रोसेसिंग से लेकर, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन से लेकर, स्पीच कम्युनिकेशन से लेकर, इन सारी चीज़ों पर काम करना, उसके एजुकेशन पर काम करना होगा, बॉडी अवेयरनेस डेवलप करने पर काम करना होगा, उसके न्यूरो डेवलपमेंट पर काम करना होगा, तभी बच्चा ठीक होगा। तो इसके लिए रिहैबिलिटेशन ही एक ऐसा अप्रोच है, थेरेपी ही ऐसा एक अप्रोच है जिससे बच्चे को सही से ठीक किया जा सकता है। तो हम बात कर रहे थे सेंसरी क्रेविंग पे, वापस फिर उस टॉपिक पे आ जाते हैं। बीच में कुछ कुछ इधर उधर जानना होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का बैड एक्सपीरियंस इकट्ठा करके रखते हैं, वो सारी चीज़ें समझाते हैं कि आप लोग इस तरह के फ्रॉड के चक्करों में ना पड़े। अब हम बात कर रहे थे कि एक तो ओरो मोटर स्टिमुलेशन करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक ये चीज़ें कम हो जाएंगी। बॉडी अवेयरनेस, जैसे कि हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स, इंटेरोसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने के लिए न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे कि बच्चे का ये जो क्रेविंग का नेचर है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह से वही चीज़ें अप्लाई होंगी, सेम होगा, प्रोटोकॉल वही है, अलग अलग तरीके से अप्लाई होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अलग होगा और वो इफ़ेक्टिव होगा आपके बच्चे पे। इसलिए हम कहते हैं कि जब बच्चे में प्रॉब्लम इस तरह की दिखे ना, तो सिर्फ अपने आप से काम करके आप चाहेंगे कि बच्चा ठीक हो जाए तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ उसके ये करना पड़ेगा। ये अभी सिंपल सी बात, ये मेरा चश्मा है, अभी हम नहीं लगा रहे हैं इसको, ये थोड़ी देर पहले कहीं हो सकता है कि हाथ वाथ पड़ गया, कोई इस पर बैठ गया, कहाँ कहीं रखा हुआ था सोफे पे तो कोई बैठ गया था, या कैसे टेढ़ा हो गया, इसको ठीक करने के लिए अपने से ट्राई किया कि नहीं हुआ तो इसको ले जाके जहाँ पे उसका ये होता है वो वॉच स्टोर जो होता है, घड़ी वड़ी और चश्मा बेचने वाला, उन लोगों के पास जाके इसको ठीक कराया गया। तो हम थोड़ा बहुत मैनेज इसको ये कर सकते हैं, लेकिन वो सही से उसको ठीक नहीं कर सकते, अलाइनमेंट उसने सेट किया तो एक कॉमन सी बात जैसे हुई, वैसे ही जो एक्सपर्ट होंगे वो ही उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। काम चलाऊ तो आप कर ही लेते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें काम चलाऊ काम तो आप कर लेते हैं, लेकिन यही होता है कि आप एडवांस वाली चीज़ें पहले कर लेते हैं तो वो डेवलप हो गई, बेसिक चीज़ें छूट गई, अब आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि ये तो चीज़ें समझ लेता है या फिर ये चीज़ें बोल लेता है, लेकिन प्रॉपर वो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो रटा रटा या बोल लेता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, इसी तरह से आपका बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सोशियो इमोशनल स्किल्स, परसेप्शन स्किल्स, फाइन मोटर एक्टिविटीज, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें कंबाइंडली जब बच्चे में ये की जाती हैं बच्चे के केस के हिसाब से देख के, तो फिर बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है, गारंटीड इम्प्रूवमेंट होती है और धीरे 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 हम उसको इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ लेके जाते हैं। तो दवाओं का भी कुछ हद तक रोल है। हम कई बारी मना करते हैं कि सेडेटिव दवाएं बच्चों में ना दिया जाए। सेडेटिव दवाएं अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उससे क्या है कि एक तो वो धीरे धीरे एडिक्ट हो जाएगा। एग्रेसिव अगर बच्चा है, उसमें डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि सेडेटिव दवाएं दें, कुछ दिन तक दी जाती हैं लेकिन उसके साथ साथ थेरेपी में रखा जाता है। यूपी से एक लेडी आज से 1.5 महीने पहले हमारे साथ जुड़ी थी, बोली कि 3 साल से हम वो उसको सिजडॉन दे रहे हैं
और वो देते हैं तो शांत रहता है, नहीं देते हैं तो पागल की तरह हरकत करता है, हमको परेशान करता है, इसलिए हम दे देते हैं। और डोज अब और बढ़ा भी दिए हैं हम कि वो परेशान ना करे, आराम से करे। तो मतलब ये है कि उसको नशा में रखा जा रहा है कि जब वो होश में आ रहा है उसको नशा दे के और उसमें। तो हम बार बार रिक्वेस्ट ये भी करते हैं कि इन सारी चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हैं कोशिश कीजिए अवॉइड करने। और जितने लोग हमारा वीडियो देखते हैं, जो लोग हमारे पास आए हुए हैं, बच्चे को दिखाए हैं, उसके बाद जाके खुद से यूट्यूब वीडियो देख के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप देखिएगा समय रहते सुधार लीजिएगा बच्चे को, नहीं तो फिर प्रॉब्लम जब बढ़ जाएगी उसके बाद कुछ भी सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। जितना एज बढ़ते जाता, एक बच्चा जुड़ा था, एक हस्बैंड वाइफ दोनों जुड़ा था लोग, एक बच्चे को अपने लेके, वो 8-9 साल का बच्चा है, और वो दोनों की प्रॉब्लम ये है कि उन लोग हाईली क्वालिफाइड, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनको लगा कि हम खुद ही से मैनेज कर लेंगे, यूट्यूब वीडियोज वगैरह देख के उन लोग मैनेज करना चाहे, और 8-9 साल का बच्चा हो गया, अभी उनसे नहीं बैठता है, उनको मारने लगता है, मार के भाग जाता है, उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो कहते हैं कि बदमाशी कर रहा है। बदमाशी नहीं कर रहा है, उसके वो सेंसरी इशूज को नहीं शॉर्ट आउट किया गया, नहीं उनको टैकल किया गया, वही चीज़ें बाद में बिहेवियरल इशूज में कन्वर्ट हो गई, वो परसिस्ट कर गए इशूज, तो इसलिए अब आपके कंट्रोल से वो बाहर हो गया। इसी तरह से आप भी अपने बच्चे पे ध्यान दें और एज कहीं निकल ना जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ये सब बातें हैं। सेंसरी क्रेविंग अगर बच्चे में है, उसके लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के साथ साथ सेंसरी स्टिमुलेशन, और जहाँ की क्रेविंग है उसके हिसाब से उसका सेंसरी स्टिमुलेशन किया जाता है, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन, बॉडी अवेयरनेस पे काम, तो धीरे धीरे वो चीज़ें कम हो जाती हैं। अब जो लोग भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, उनके गाइडेंस में काम करना चाहिए, तभी बच्चे को आप ठीक कर पाएंगे। आप खुद से अगर ये करेंगे तो ठीक नहीं कर पाएंगे। जितने लोग हमारा वीडियो देखते हैं देश दुनिया, जहाँ से भी 50-60 कंट्री से लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो जो लोग भी हिंदी भाषी लोग देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, तो आप हिंदी भाषी होंगे, हम तो हिंदी में वीडियो बना रहे हैं। अगर आपके बच्चे में किसी भी तरह की प्रॉब्लम लग रही है कि अपने एज ग्रुप वाले बच्चों से बैक चल रहा है, समझदारी कम है, चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो आप बिना हिचके, आप स्क्रीन पे नंबर दिया रहता है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन सेशन होता है, पटना बिहार में हमारा सेंटर है, 2 हमारे रिहैब सेंटर्स हैं, 2 ब्रांच हैं, और एक हमारा स्कूल है स्पेशल किड्स के लिए, और जो जनरल बच्चे होते हैं उनके लिए, सबको एक साथ में रख के, इनको कहीं से अलग नहीं करके ये किया जाता है, इनके लिए अलग से गाइडेंस की व्यवस्था है, अलग से स्पेशल एजुकेटर और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये सभी शैडो टीचर के तौर पे काम कर रहे हैं, और वो आपको अलग से भी गाइड करते हैं इन बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए इसके लिए। तो जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके सारा प्रोसीजर जान सकते हैं जुड़ने का। और आप जुड़ेंगे तो बच्चे का कंसल्टेशन होगा, उसके बाद एक प्रॉपर मैनेजमेंट ये होगा, उसके हिसाब से सेशन में आप रहेंगे, आपको हम ट्रेंड करते हैं, और आप जब ट्रेंड हो जाएंगे तो आप अपने बच्चे को खुद से ही मैनेज कर पाएंगे। इसलिए बार बार कहते हैं ना कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल, बस उसको सही से समझा जाए कि हाँ क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको रिलैक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करेंगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।